मार्गदर्शक रूप में पूज्य स्वामी दयानंद गुरु जी भी उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहे। ये पुस्तक उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को भी दी थी। आज सुबह ही भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी उन्होंने यह पुस्तक भेंट की है। तो मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय सोमा दीदी को आग्रह करता हूँ कि इस लेखी यात्रा के बारे में कुछ कहें, क्योंकि शायद ये पहली पुस्तक है। पहली और आखिरी। इसमें कई घटनाएं हैं, इसमें कई घटनाएं हैं जो हम लोग को भीमसेन जोशी के परिवार से मिला। ऐसे कई घटनाएं हैं, जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और भीमसेन जोशी का एक शर्त होता था, गंगा के पानी के अंदर डुबकी लगा के कौन कितना देर बैठ सकता है, जो हारेगा वो वहां के पंडों को जलेबी और लड्डू खिलाएगा, ये शर्त होता था। और दो बार बिस्मिल्लाह खान जीते, एक बार भीमसेन जोशी जीते। आइए, मैं बंचा सभी को प्रणाम करती हूँ। हमारे राम बहादुर जी जिन्होंने आए और हमें आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं उनकी दिल से आभारी हूँ। हमारे दयाल गुरु जी वो बॉम्बे से आए और हमें इंस्पिरेशन दिए इस किताब को लेकर, बनारस से है। हम चाहते हैं कि गुरु जी आप सबको यहाँ पर जितने भी लोग बैठे आप आशीर्वाद दीजिए, हृदय से सभी लोग स्वस्थ रहे। मेरे बाद मैं उनको कहूँगी दो शब्द कहने के लिए। और हेमंत शर्मा जी जिन्हें सब कोई चाहते हैं, मैं किसी से भी पूछती हूँ कि हेमंत शर्मा जी को जानते हो, अरे उनको नहीं जानेंगे, इतने विद्वान हैं और इतने, मतलब क्या मैं कहूँ, कुछ भी कम पड़ता है। और यहाँ उपस्थित सभी हमारे जो अतिथि, नवनीत सहगल जी, हमारे कमलिनी जी, ध्रुव जी, शांतनु जी, आनंद जी, यहाँ हमारे जो हमारे बहुत पुराने हमारे पत्रकार शैलेश गिरी जी, जिन्होंने हमारे जुगलबंदी से हमको साथ दिया है, एक नहीं तीन तीन उन्होंने हमारा जो आपको इससे परिचय करा देती और हमारे जितने भी पत्रकार भाई यहाँ पर आए हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपका कलम ये किताब लोगों तक पहुँचाएगा। तो सबको प्रणाम करते मैं यही कहूँगी, मैंने आखिरी इसलिए कहा कि मैं धर्म इंसानियत को मानती हूँ, उससे आगे पीछे कोई धर्म है ही नहीं। जो मैंने बाबा में पाई कि उनके हृदय में जो सुर था वो इतना असली और शुद्ध ईश्वर का करीब सुर, और उस सुर के साथ उन्होंने कभी अन्याय नहीं किया। जब हमारी जुगलबंदी हुई तो उन्होंने अपने आसन में मुझे बैठाया और उनके 70 साल के बेटे को नीचे बैठाया, पीछे बैठाया रिहर्सल के समय, वहां पर उनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये एक महापुरुष ही कर सकते हैं, मैं समझती हूँ। सब लोग तो अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो जस्टिस टू म्यूजिक, जब उन्होंने मुझे कहा, मेरी गुरुमा गुजर गई अचानक, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, श्रीमती बागेश्वरी देवी जी, दो दो तीन तीन दिन उनको खाना नहीं मिलता था और मैं शादी होकर आ गई थी, वो नौकरी के लिए गई और उनको डिग्री नहीं है इसलिए नौकरी नहीं किया गया खैराबाद यूनिवर्सिटी। आप एक कलाकार की जो ये कमल जी समझ पाएंगे, इतने आत्मसम्मानी। जब मैं सीखती थी तो एक दिन मैं पहुंची और रो रही थी विंध्याचल में, तो मैंने कि माँ रो क्यों रही है आप, बोले मैंने 3 दिन नहीं खाना खाया। आप सोचिए, अब मैं फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, मनमोहन चक्रवर्ती जो पूरा देश के लिए अपना जिंदगी दिया, मैंने पिता से पैसा नहीं लिया, तो मैंने ट्यूशन शुरू किया, उनको पैसा उनके हाथ में खर्चा देने लगी। अचानक जब उनको नौकरी नहीं मिला तो उनको सदमा हुआ, तो उनको ही शी गॉट हार्ट अटैक और वो नेक्स्ट मॉर्निंग नवरात्रि के दिन तृतीया में, क्योंकि माँ की परम सती का थी वो, जब जब गाती थी बारिश होती ही थी और वो बोलती थी जब मैं बैठती हूँ माधव जी की मुझे टच मत करना क्योंकि माँ की सवारी आती। तो इसलिए मैंने उनके प्रिय वादक थे बिस्मिल्लाह खान, मैंने कोशिश किया कि मैं उन्हीं को लाऊंगी, मैं उससे पहले मिली नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी थी कि वो आ गए और भारत रत्न मिलने के बाद पहला कार्यक्रम वो सीधा दिल्ली से आए थे उस कार्यक्रम में। और ऊपर वाले को क्या मर्जी थी, जब उन्होंने कहा कि मैं और किसी के साथ नहीं सिर्फ तुम्हारे साथ डिबेट करूंगी, तो मैंने ना कर दिया, जी मैं आपके साथ कैसे बैठूंगी।
तब जो उन्होंने एक बात कही थी, जो आपने देखा कि गुरु शिष्य परंपरा किस तरह से उनके मामू जी निभा रहे हैं और मेरी गुरुमा भी निभाए, तो उन्होंने कहा नहीं, सुर किसी की बपौती नहीं है, जो करता है वो पाता है, और ये अल्लाह का करम है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ये अल्लाह का ही करम है, शिव का करिश्मा है। और जब मैं तो ईश्वर एक ही मानती हूँ, मैं परम शिव भक्त हूँ, मैं बिना उनको याद किए कुछ किए मैं कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ। तो वो कहते थे कि शुमा तुम तो जब भी बनारस आते हो पहले विश्वनाथ मंदिर जाते हो अपना फूल चढ़ा देना, मैं अभी जा नहीं पाता हूँ, लेकिन दूर से विश्वनाथ मंदिर की तरफ शहनाई करके मैं बजा लेता हूँ, तो तुम अपना फूल चढ़ाना फिर मेरा फूल चढ़ा देना, ये वो कहते थे हमेशा। और आखिरी जब प्रोग्राम हुआ था राष्ट्रपति भवन में, तब उनका सुर उनके हृदय से चला गया था, उसमें बजा नहीं सके थे, वो कलाम साहब पसीने पसीने हो रहे हैं, वो फूंक मार रहे हैं, उनमें सुर आ ही नहीं रही है, क्योंकि प्राण उनका उस शहनाई में था। तब मैंने ऐसे माइक छीना और उनके मुंह में दिया कि बाबा गाइए, वो गाने लगे ऐसे करके पूरा गा के उन्होंने किया, और उसके बाद 2 महीने बाद चले गए। और उन्होंने जाते समय मुझे 3 ये मुक्का मारे थे, उन्होंने कहा कि तुम किस लिए आई हो, मैं 1 महीना पहले आई थी, मैंने कहा कल मेरा गंगा महोत्सव प्रोग्राम है, क्या गा रही हूँ, मैंने कहा कि मुझे भी कुछ सोचा नहीं, बोला अपना वजूद कभी मत तोड़ना, जो तुम गाओगी जो तुम गाती हो वो भीड़ देख के बह मत जाना कि वो क्या चाहते, तुम अपना वजूद रख के तुम गाना, मैं कहता हूँ 8 जन चले जाएंगे लेकिन वो 8 जन वापिस आ जाएंगे तुम्हारे गाना के, ये मैं तुमको कह के जाता हूँ। तो मैं उसी राह में चल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, हमारे नवनीत जी है जो सरकार की तरफ से है मेरी आवाज़ पहुँचा दे कि शास्त्रीय कलाकारों की मान थोड़ा सा घट गया है हमारे स्टेज में, स्टैंड अप कॉमेडियन और बॉलीवुड का प्रभाव हो गया है, क्योंकि हमारी विरासत को आर्थिक भी संकट है और मान सम्मान भी घट गया है। तो ये फिर से बहुत कोशिश है, सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा नजर आ जाए सबको, सबको मैं ये विनती करूँगी कि इस पर थोड़ा नजर आ जाए, क्योंकि बाबा भी बोल रहे थे फिल्म में कि क्यों भागे भागे सब विदेश चले जा रहे हैं। बस यही मैं प्रणाम करती हूँ सभी को, आनंद गुरु जी को, सदगुरु श्री जी को, राय जी को, राम बहादुर राय जी को, हेमंत शर्मा जी को, प्रभात जी को, प्रभात जी ने जो साथ दिया है इसी के लिए मेरा एकमात्र किताब सामने आया है, शुभंकर जी का सहयोग नहीं होने से चलो हो ही नहीं सकता, और मेरी बेटी मधुरा और संचारी दोनों ने इसका एडिट किया है, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देती किताब के लिए, तो भाषण ही देना पड़ता है। मैं एक शिव परंत पढ़ती हूँ क्योंकि बाबा को भी 3 बार शिव दर्शन हुए थे। ओम दिविक दिवि डमरू बाजे गिर गैला शिखर पर नाचे, दिविक दिविक दिवि मृदंग बाजे शीश गंग अर्धंग विराजे, उमा रमा हर सब सुर साजे कर त्रिशूल डमरू लिए नाचे, शिव चम 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 ना 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 चम 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 मदा चम चम मदा चम चम मदा, शिव चम 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 ना 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 चम 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 मदा चम चम मदा चम चम मदा, एक दो तीन चम, शिव चम 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 ना 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 चम चम मदा चम चम मदा चम चम मदा, बहुत सुंदर दीदी, हार्दिक आभार आपका। अब मैं आग्रह करता हूँ पहले पुस्तक का लोकार्पण करने, उसके बाद गुरुदेव का आशीर्वचन लिए, और फिर आदरणीय राय साहब का आशीर्वाद। Thank you.
घंटा हो गया थोड़ा सा आप परेशान कर रही है।